सो हेलो गाइज, अभी आप जो मेरे हाथ में ये कैमरा देख रहे हैं, ये है निकॉन का मॉडल है और इसको मैंने परचेज़ किया था चांदनी चौक दिल्ली के चौधरी गुच्छा मार्केट से। और इसको तकरीबन 8-7 महीने यूज़ करने के बाद मुझे इसके साथ क्या दिक्कत फेस करनी पड़ी, और आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप चांदनी चौक से कैमरा खरीदने जा रहे हो, इस टाइप की कैमरा कंडीशन आप देख लो कितनी ज़्यादा इसकी कंडीशन अभी आपको अच्छी लग रही होगी, तो इस टाइप का अगर आप कैमरा मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरह से आपको इस मार्केट में पागल बनाया जाता है, ये आपको मेरे सिवा और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भाई मैं सीधा आपको प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा और मेरे साथ बीती है तो मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में आपको ये बता दूंगा कि इस तरह के कैमरे अगर आप चांदनी चौक मार्केट में परचेस करने जा रहे हो तो आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपको खरीदना भी चाहिए तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो चलेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट भाई वीडियो को शेयर कर देना कि और भाई कोई भाई मेरा मतलब पागल ना बने, एटलीस्ट ये वीडियो देख के मतलब उसको कुछ तो मतलब नॉलेज मिले, ठीक है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इस कैमरे मॉडल की, तो ये कैमरा मॉडल अभी आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, ये कैमरा मॉडल इसका निकॉन का D3500 का मॉडल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फोकस हो गया, हाँ तो निकॉन का D3500 मॉडल है और इसको हमने परचेस किया था चांदनी चौक चौधरी गुच्छा मार्केट से, जो कि दिल्ली की मार्केट है, और जो भाई दिल्ली से या फिर जो आउट ऑफ दिल्ली से भी उन्हें पता होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि इस कैमरे को हमें परचेस करे हुए तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए, ठीक है, और इसको हमने कितना परचेस किया था इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी अभी कैमरे की कंडीशन देख लो, आपको बहुत ज़्यादा कैमरे की कंडीशन आपको सही लग रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें उस मार्केट में अगर आप इस टाइप के कैमरा खरीदने जाओगे तो आपको वो ऐसी कंडीशन में कैमरा दिखाएंगे जिनकी मतलब जिसके आप थोड़े ज़्यादा पैसे पे करोगे तो वो मतलब ऐसा लगेंगे आपके कैमरा आपको नए कैमरे दे रहे हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं देखने में, लेकिन इसके पीछे एक रीज़न होता है। उनसे आप पूछोगे कि भाई ये इतनी अच्छी कंडीशन में क्यों है, तो बोलेंगे भाई कस्टमर को अपडेट होना होता है, सो इसलिए वो यहाँ पर सेल करके चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊँ तो वो लोग क्या करते हैं, कैमरा जितना ही ज़्यादा पुराना होता है उसके ऊपर या तो उसकी बॉडी चेंज कर देते हैं, और अगर उसकी बॉडी कहीं से मतलब टूटी फूटी नहीं होती है तो उसको पॉलिश कर देते हैं। इस मेरे केस में क्या हुआ है कि ये जो कैमरा है ये तकरीबन 4 साल पुराना कैमरा है या फिर 3 साल पुराना कैमरा होगा, इसकी पूरी बॉडी भाई इन लोगों ने पॉलिश कर रखी है। अभी भी ये मुझे कैसे पता लगा, धीरे धीरे जो इसका कलर है साइड साइड से, या ये देखिए यहाँ से साइड साइड से छूटने लग गया है, तो ये इसकी भाई बॉडी इन लोगों ने पूरी पॉलिश करके हमें मतलब सेल किया था। एक तरफ से इनका ये मतलब एक इस तरह से ये चूतिया बनाएंगे कि अगर आपको कैमरा बहुत अच्छी कंडीशन में दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो कैमरा पॉलिश है या तो बॉडी उनकी चेंज है। दूसरी कंडीशन में आपको बताया, दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन वो आपको कैमरा जब आप उनसे परचेस कर लोगे तो आपसे बोलेंगे कि हम इनकी 2 साल की वारंटी दे रहे हैं एज अ शॉप, आप शॉप पे आओगे तो आपकी वारंटी है। वो ये नहीं बताएंगे कि बॉडी की वारंटी है कि लेंस की वारंटी है। अब आपका कोई भी ख़राब हो जाए तो वो बातों को चेंज कर देंगे। मान लीजिए कि अगर आपका लेंस ख़राब हो गया कहीं से मतलब फोकसिंग में दिक्कत कर रही है, तो वो ये बोलेंगे कि भाई हमने लेंस की वारंटी नहीं दी थी, हमने बॉडी की वारंटी दी थी। और अगर वो अगर आपकी बॉडी में दिक्कत आती है तो वो लोग ये बोलेंगे कि भाई हम लेंस की मतलब वारंटी है, बॉडी की वारंटी नहीं है। मेरे केस में क्या हुआ कि ये कैमरा तकरीबन 8 महीने मतलब सही चला, उसके 7 महीने मतलब सही चला, 8वें महीने में इसमें मतलब दिक्कत आने लगी, कैमरे की जो बॉडी में ना फोकसिंग की दिक्कत आने लग गई लेंस में, मतलब ये इस चीज़ को मतलब ये जो चीज़ है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ ढीली हो गई थी, ठीक है। तो मैं शॉप पे गया, मैंने बोला कि भैया ये चीज़ ढीली हो गई है, इसको आप हमें रिपेयर करके दो। तो अगला बंदा कहता है कि भाई हम सिर्फ कैमरे की बॉडी की मतलब वारंटी है, लेंस की वारंटी नहीं है, अब इसको कहाँ उठा पटक कर, तो इस चीज़ की हमारी कोई वारंटी नहीं है। तो मैंने बोला कि भैया फिर इसका क्या चार्ज क्या लगेगा, तब विश्वास नहीं करोगे उन लोगों ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ, वन सेकेंड। ये जो लेंस का ये जो ये चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ जो आप देख रहे हो, इसको चेंज करने के लिए उन लोगों ने मुझसे 3000 रुपये चार्ज किए, आई मीन 3000 रुपये चार्ज किए, और इतना मतलब वो महंगा आपको काम करते हैं, बल्कि कैमरा आपके वारंटी में, उन लोगों ने फिर भी मुझसे 3000 रुपये चार्ज किए इस चीज़ के, कि इसका भाई 3000 रुपये लगेंगे। मैंने वहाँ से कैमरा उठाया और इसको मैं सर्विस सेंटर में लेके गया, तो सर्विस सेंटर वालों ने मात्र मुझे 1800 रुपये में ये काम करके दे दिया। तो यार क्या मतलब होता है तुम्हारा वारंटी देने का, अगर आपने हमें वारंटी दी है तो उसको ठीक करके दो ना। तो एक तरीका ये भी है कि इस तरह से आपको वहाँ पर चूतिया बनाया जाता है, आपको वारंटी दी जाएगी लेकिन जब आप अपने कैमरे की प्रॉब्लम लेकर वहाँ पहुँचोगे तो आप लोगों से ये बोला जाएगा कि इस चीज़ की वारंटी नहीं है। तो इस चीज़ को भाई मुझसे 3000 रुपये मांग रहे थे इसको मतलब रिपेयर करने के लिए, और मैंने निकॉन के सर्विस सेंटर से मैंने इसको मात्र 1800 रुपये मैंने रिपेयर करा लिया। अब ये देख सकते हो हालांकि काफ़ी ज़्यादा सही है, पहले ये लेंस मतलब अप डाउन मतलब हो रहा था, ये फंस रहा था, ये अब ये बिल्कुल नहीं फंस रहा है,
अब ये देखो बिल्कुल एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, एकदम बहुत स्मूथली वर्क कर रहा है और पहले से अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको सर्विस सेंटर मैंने काम कराया, मात्र 1800 रुपये उन लोगों ने मुझे काम करके दे दिया। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जब मैंने उनसे बोला कि भैया ये लेंस का मतलब वो ख़राब है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम सिर्फ बॉडी की वारंटी, बॉडी में कोई दिक्कत आएगी तो आप बताओ। तो बॉडी में इसका जो सेंसर है कभी कभी चलते चलते जो सेंसर मैं कह रहा हूँ, जो इसका शटर है चलते चलते कभी कभी रुक जाता है, अगर आप इसको लो शटर पे अगर आप पिक्चर्स क्लिक करोगे तो मतलब ये बोल जाता है कि भाई अब मेरे बस की नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का ये कैमरा आप देख लो, तो लो शटर स्पीड पर ये कैमरा का जो शटर है भाई वो मतलब रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो मैं इसकी भी मतलब रिपेयरिंग के लिए उसके पास गया, तो कह रहा है कि भाई इसका तो अलग से चार्ज लगेगा, हमने सिर्फ कोई मतलब सॉफ्टवेयर में कोई परेशानी आ रही है, जैसे कोई ग्लिच आ रहा है तो उसको हम ठीक करके दे देंगे, बाकी हार्डवेयर के आपके पैसे लगेंगे। मतलब उनके सीधे सीधा कहने का मतलब है कि अगर आपने कैमरा खुलवाया है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये एक प्रॉब्लम फेस आपको करनी पड़ेगी, दो तीन प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। थर्ड बात आपको मैं बता दूँ, ये जो लेंस है, ये लेंस भी भाई सारे के सारे लेंस भाई रिपेयर होते हैं, ओरिजिनल लेंसेज ये नहीं होते। अभी आपको मैं यहाँ दिखा दूँ, ये देखिए, ये चीज़ देखिए आप, ये निकोन की इन लोगों ने ब्रांडिंग कर रखी है, देखिए ये निकोन की ब्रांडिंग हुई पड़ी है, लेकिन भाई ये लोकल है, इन लोगों ने बॉडी भी लोकल चेंज करके दे दी, और जो आप समझ सकते हो कि भाई सारे लेंसेज रिपेयर हैं, कैमरे इनके रिपेयर होते हैं। तो भाई मैं तो आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ अगर आप इस मार्केट में जा रहे हो इस तरह के मतलब सामान परचेस करने के लिए, तो यार आप किसी ऐसे बंदे को लेके जाओ जिसको यार बहुत अच्छी नॉलेज हो, जो कैमरा मतलब देख के ही पकड़ ले कि भाई इसमें मतलब ये कैमरा इतना चला हुआ है और इतने ये मतलब इसमें ये दिक्कत परेशानी हो सकती है। और अगर आप इस मार्केट से कैमरा खरीद भी रहे हो तो उनसे आप एक चीज़ ज़रूर श्योर हो जाओ, ये चीज़ बोल दो कि आप मुझे पेपर पे लिख के दो वारंटी की, भाई किस किस चीज़ की कितनी कितनी वारंटी है, अदरवाइज़ आपको भाई बहुत अच्छी तरीके से इस मार्केट में ये लोग आपको पागल बना देंगे। तो गाइस मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम फेस करी मैंने, तो वो तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताते हुए चलूँ, बिकॉज यार देखो होता क्या है ना कि 30,000-40,000 रुपये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, और कोई अफोर्ड करके इस टाइप का कैमरा परचेस करता भी है तो उसे लगता है कि यार मैंने कुछ पैसे खर्च किए हैं, और उस चीज़ में उस बंदे को उस पैसे के हिसाब से उसे सामान ना मिले तो सोचो यार कितना ही बुरा लगता है। भाई मैंने जब शुरुआत किया था तो मैं तो यार बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया था इस ऐसे कैमरे को मतलब मैंने ख़रीदने के लिए, और बहुत पैसे मतलब मैंने फंसाए थे। तो ये मेरे साथ हुआ, आपके साथ ना हो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी। मुझे पता है कि वीडियो कोई ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेटिव नहीं है, बट भाई क्या करें, थोड़ा सा वेडिंग का सीज़न चल रहा, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, और चल चलते इस कैमरे ने भाई मैंने साथ छोड़ दिया था। सो अभी मैं इसको रिपेयर करा के जस्ट मैं अभी आ रहा हूँ सर्विस सेंटर से संडे के दिन भी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, अभी से हम अच्छे अच्छे कंटेंट निकालेंगे। बाकी अगर आप चांदनी चौक में जा रहे हो तो भाई ध्यान रहे, कैमरा इनकी जो बॉडी होती है जितनी अच्छी दिखेगी उस पर उतने अच्छा काम किया, यानी कि उस पर उतना अच्छा इस पर पॉलिश किया हुआ है। लेंसेज एकदम प्रॉपर आप चला के देख लेना कुछ इस तरह से खोल खाल के, और वारंटी भाई लिखवा लेना कि भाई कितने की वारंटी आप दे रहे हो, किस किस चीज़ की वारंटी है प्रॉपर, और एक ट्रस्टेबल शॉप पर जाना। देखो मैं ऐसे किसी शॉप का मैं नाम नहीं लूँगा, ये तो खैर गलत बात है कि लोग बोलेंगे कि बदनाम कर रहे हैं हमें, और फिलहाल गर्मी बहुत हो रही है तो आप देख लेना। तो ये कुछ छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ वीडियो शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बट यार किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब ये। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।